नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी लगातार अपने कारोबार को विस्तार दे रहे हैं। अब उनकी कंपनी ने एक और बड़ी डील की है। ग्रुप ने अपनी कंपनी अडानी पोर्ट्स के जरिए इंडियन ऑयल टैंकिंग में करीब 50% की हिस्सेदारी खरीदी है। जानकारी के अनुसार गौतम अडानी के बेटे करण अडानी के नेतृत्व वाली अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी एपी सेज और इंडियन ऑयल टैंकिंग के बीच यह सौदा 1050 करोड़ रुपए में हुआ है। इस डील के साथ ही अडानी पोर्ट्स एंड सेज अब देश की बड़ी लिक्विड टैंक स्टोरेज कंपनी बन गई है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्या करती है IOTL कंपनी। इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड यानी IOTL लिक्विड स्टोरेज से जुड़ी सुविधाओं को डेवलप और उसे ऑपरेट करने वाली देश की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है। बता दें, IOTL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जर्मनी की ऑयल टैंकिंग JMBH का जॉइंट वेंचर है। अडानी पोर्ट्स ने बताया है कि इस डील में IOT उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड में 10% अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। इंडियन ऑयल टैंकिंग की इस सब्सिडरी कंपनी में 71.57% हिस्सेदारी है। बता दें, एपी सेज ने ऑयल टैंकिंग GMBH की इंडियन ऑयल टैंकिंग में 49.38% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पोर्ट्स के CEO करण अडानी ने दावा किया है कि IOTL के साथ हुई इस डील के बाद अडानी पोर्ट्स एंड सेज देश की तीसरी सबसे बड़ी लिक्विड टैंक स्टोरेज कंपनी बन गई है। इस डील को लेकर उन्होंने कहा कि इस सौदे से एपी सेज की ऑयल स्टोरेज क्षमता 200% बढ़कर 3.6 मिलियन KL पर पहुंच गई है। वहीं अडानी पोर्ट्स और IOTL के बीच हुई इस बड़े सौदे का असर गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों पर भी दिखाई दिया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।